नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉन विलियम्स के नाबाद शतक के दम पर और पेसर ब्लेसिंग मुजरबानी की धारदार गेंदबाजी के दम पर जिम्बाब्वे ने मंगलवार को तीसरे और अंतिम इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान को सुपर ओवर में हरा दिया। पाकिस्तान की टीम इस हार के बावजूद तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब रही। जिम्बाब्वे के शॉन विलियम्स ने शतक की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर जिम्बाब्वे ने 278 रन बनाए थे, जिसके बाद पाक टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी शतक लगाया, जबकि वहाब रियाज ने हाफ सेंचुरी जड़ी। मेजबान टीम 9 विकेट पर 278 रन ही बना पाई और मैच के नतीजे के लिए सुपर ओवर का सहारा लिया गया। मुजरबानी ने सुपर ओवर में शानदार गेंदबाजी की, जिससे इख्तियार अहमद और खुशदिल शाह का विकेट मात्र 2 रन के स्कोर पर गिर गए और टेलर और अहमद रजा ने शाहीन शाह फरीदी की तीसरी गेंद पर अपनी टीम को जीत दिला दी। ये सीरीज वर्ल्ड सुपर लीग का हिस्सा थी, जिससे पाकिस्तान ने 2 जीत से 20 जबकि जिम्बाब्वे ने 1 जीत से 10 अंक हासिल किए। पाकिस्तान ने अपना 5वां वनडे खेल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन की बदौलत जिम्बाब्वे का स्कोर 22 रन पर 3 विकेट कर दिया था, लेकिन इसके बाद सॉन विलियम्स ने नाबाद 118, ब्रेंडन टेलर ने 56 और सिकंदर रजा ने 45 रन की बदौलत टीम ने 6 विकेट पर 278 रन बनाकर पाकिस्तान के सामने एक ठीक ठाक स्कोर खड़ा कर दिया। विलियमसन ने टेलर के साथ 4वें विकेट के लिए 84, वेस्ली माधवरी के साथ 5वें विकेट के लिए 75 और सिकंदर रजा के साथ 6ठे विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी की। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद हसनैन ने 26 रन देकर 5 विकेट लिए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी बाबर आजम के शतक और वहाब रियाज के अर्धशतक के दम पर 9 विकेट पर 278 रन बनाए। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 49 रन देकर 5 विकेट चटकाए। जिम्बाब्वे के पास नियमित ओवर में ही जीत दर्ज करने का मौका था, लेकिन सिकंदर रजा ने रियाज का कैच टपका दिया और फिर पारी की अंतिम गेंद पर तेंडई चिसोरो ने मिसफील्ड की, जिससे गेंद 4 रन के लिए चली गई और मैच टाई हो गया। फिर सुपर ओवर में मेहमान टीम ने जीत दर्ज कर ली। आपको बता दें, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान पर 5 साल बाद कोई जीत दर्ज की है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।